आत्माने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवत गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन उवाच, योयम् योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। हे मधुसूदन, ये योग जो आप पहले बता आए हैं, जिससे समत्व भाव दृष्टि मिलती है, मन के चंचल होने से बहुत समय तक इसमें ठहरने वाली स्थिति में मैं अपने को नहीं देखता। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, अर्थात दूसरे को मत डालने वाला हठी तथा बलवान है, इसलिए इसे वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूं। तूफानी हवा और इसको रोकना बराबर है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। महान कार्य करने के लिए प्रयत्नशील अर्थात महाबाहु अर्जुन, निःसंदेह मन चंचल है, बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है, परंतु कौन्तेय ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में होता है। जहां चित्त को लगाना है वहां स्थिर करने के लिए बार बार प्रयत्न का नाम अभ्यास है, तथा देखी सुनी विषय वस्तुओं में, संसार या स्वर्ग आदि के भोगों में राग अर्थात लगाव का त्याग वैराग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन वश में करना कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य द्वारा ये वश में हो जाता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन, मन को वश में न करने वाले पुरुष के लिए योग प्राप्त होना कठिन है, किंतु स्ववश मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के लिए योग सहज है, ऐसा मेरा अपना मत है। जितना कठिन तू मान बैठा है उतना कठिन नहीं है, अतः इसे कठिन मानकर छोड़ मत दो, प्रयत्न पूर्वक लगकर योग को प्राप्त कर, क्योंकि मन वश में करने पर ही योग संभव है। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन उवाच, अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। योग करते करते यदि किसी का मन चलायमान हो जाए, यद्यपि अभी योग में उसको श्रद्धा है ही, तो ऐसा पुरुष भगवत सिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को पाता है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि।
महाबाहु श्री कृष्ण, भगवत प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ वो मोहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं होता? छोटी सी बदली आकाश में छाए तो वो न बरस पाती है न लौटकर मेघों से ही मिल पाती है, बल्कि हवा के झोंकों से देखते देखते नष्ट प्राय हो जाती है। उसी प्रकार शिथिल प्रयत्न वाला, कुछ काल तक साधन करके स्थगित करने वाला नष्ट तो नहीं हो जाता? वो न आप में प्रवेश कर सका और न भोग ही भोग पाया, उसकी कौन सी गति होती है? एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता नह्युपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से मिटाने के लिए आप ही सक्षम हैं। आपके अतिरिक्त तो दूसरा कोई इस संशय को मिटाने वाला मिलना संभव नहीं है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान वाच, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर लक्ष्य की ओर अग्रसर अर्जुन, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे तात, उस परम कल्याणकारी नियत कर्म को करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। उसका होता क्या है? प्राप्य पुण्यकृतां लोकां उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहि योग भ्रष्टो भिजायते। मन चलायमान होने से योग भ्रष्ट हुआ वो पुरुष पुण्यवानों के लोकों में वासनाओं को भोग कर, जिन वासनाओं को लेकर वो योग भ्रष्ट हुआ था, भगवान उसे थोड़े में सब दिखा सुना देते हैं। उन्हें भोग कर वो शुचि नाम श्रीमताम, शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। जो शुद्ध आचरण वाले हैं वही श्रीमान है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वहां जन्म न मिलने पर भी स्थिर बुद्धि योगियों के कुल में वो प्रवेश पा जाता है। श्रीमानों के घर में पवित्र संस्कार बचपन से ही मिलने लगते हैं, किंतु वहां जन्म न हो पाने पर वो योगियों के कुल में, घर में नहीं शिष्य परंपरा में प्रवेश पा जाता है। कबीर, तुलसी, रैदास, वाल्मीकि इत्यादि को शुद्ध आचरण और श्रीमानों का घर नहीं योगियों के कुल में प्रवेश मिला। सदगुरु के कुल में संस्कारों का परिवर्तन भी एक जन्म है, और ऐसा जन्म संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। योगियों के यहां जन्म का अर्थ उनके शरीर से पुत्र रूप में उत्पन्न होना नहीं है। गृह त्याग से पूर्व पैदा होने वाले लड़के मोहवश महापुरुष को भी भले ही पिता मानते रहे, किंतु महापुरुष के लिए घर वालों के नाम पर कोई नहीं होता। जो शिष्य उनकी मर्यादाओं का अनुष्ठान करते हैं, उनका महत्व लड़कों से कई गुना अधिक मानते हैं, वही उनके सच्चे पुत्र हैं। जो योग के संस्कारों से युक्त नहीं है, उन्हें महापुरुष नहीं अपनाते। पूज्य महाराज जी यदि साधु बनाते तो हजारों विरक्त उनके शिष्य होते, किंतु उन्होंने किसी को किराया भाड़ा देकर, किसी के घर सूचना भेजकर, पत्र भेजकर, समझा बुझाकर सबको उनके घर लौटा दिया।
बहुत लोग हट करने लगे तो उन्हें अपशकुन हो, भीतर से मना हो कि इसमें साधु बनने के एक भी लक्षण नहीं है, इसे रखने में भलाई नहीं है, ये पार नहीं होगा, निराश होकर दो एक ने पहाड़ से गिरकर अपनी जान भी दे दी। किंतु महाराज जी ने उन्हें अपने यहां नहीं रखा। बाद में पता चलने पर बोले, जानत रहूं के बड़ा विकल है, लेकिन ये सोचते है कि सचहूं के मरी जाए तो रख ही लेते, एक ठो पतिता राहत और का हो। ममत्व उनमें भी विकट था, फिर भी नहीं रखा। 6-7 को जिनके लिए आदेश हुआ था कि आज एक योग भ्रष्ट आ रहा है, जन जन से भटका हुआ चला आ रहा है, इस नाम और इस रूप का कोई आने वाला है, उसे रखो, ब्रह्म विद्या का उपदेश करो, उसे आगे बढ़ाओ। केवल उन्हीं को रखा। आज भी उनमें से एक महापुरुष धार कुंडी में बैठे हैं, एक अनसुईया में है, 2-3 अन्यत्र भी हैं। उन्हें सदगुरु के कुल में प्रवेश मिला। ऐसे महापुरुषों को पा जाना अति दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। वहां वो पुरुष पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात पूर्व जन्म के साधन संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वो फिर संसिद्धौ भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने लगता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। श्रीमानों के घर विषयों के वश में रहने पर भी वो पूर्व जन्म के अभ्यास से भगवत पथ की ओर आकर्षित हो जाता है, और योग में शिथिल प्रयत्न वाला वो जिज्ञासु भी वाणी के विषय को पार करके निर्वाण पद को पा जाता है। उसकी प्राप्ति का यही तरीका है, कोई एक जन्म में पाता भी नहीं। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम्। अनेक जन्मों से प्रयत्न करने वाला योगी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी सभी पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्राप्ति का यही क्रम है। पहले शिथिल प्रयत्न से ये योग आरंभ होता है, मन चलायमान होने पर जन्म लेता है, सद्गुरु के कुल में प्रवेश पाता है, और प्रत्येक जन्म में अभ्यास करते हुए वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति परम धाम है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि इस योग में बीज का नाश नहीं होता। आप 2 कदम चल भर दें, उस साधन का कभी नाश नहीं होता। हर परिस्थिति में रहते हुए पुरुष ऐसा कर सकता है, कारण कि थोड़ा साधन तो परिस्थितियों में घिरने वाला व्यक्ति ही कर पाता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। आप काले हो, गोरे हो अथवा कहीं के हो, गीता सबके लिए है, आपके लिए भी है, बशर्ते आप मनुष्य हो। उत्कट प्रयत्न वाला चाहे जो हो, किंतु शिथिल प्रयत्न वाला गृहस्थ ही होता है। गीता गृहस्थ विरक्त शिक्षित अशिक्षित सर्वसाधारण मनुष्य मात्र के लिए है, किसी साधु नामक विचित्र प्राणी के लिए ही नहीं। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण निर्णय देते हैं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी
तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिए अर्जुन तू योगी बन। तपस्वी अभी योग को ढालने में प्रयत्नशील है, कर्मी केवल कर्म जानकर कर्ता भर है। ये गिर भी सकते हैं क्योंकि न इन दोनों में समर्पण है और न अपना हानि लाभ देखने की क्षमता। किंतु ज्ञानी योग की परिस्थितियों को जानता है, अपनी शक्ति समझता है, उसकी जिम्मेदारी उसी पर है, और निष्काम कर्म योगी तो इष्ट के ऊपर अपने को फेंक चुका है, वो इष्ट संभालेगा। परम कल्याण के पथ पर ये दोनों ठीक चलते हैं, किंतु जिसका भार वो इष्ट संभालता है वो इन सब में श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रभु ने उसे ग्रहण कर लिया है। उसका हानि लाभ वो प्रभु देखता है, इसलिए योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तू योगी बन, समर्पण के साथ योग का आचरण कर। योगी श्रेष्ठ है, किंतु उनसे भी वो योगी सर्वश्रेष्ठ है जो अंतरात्मा से लगता है। इसी पर कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। संपूर्ण निष्काम कर्म योगियों में भी जो श्रद्धा विभोर होकर अंतरात्मा से अंतर चिंतन से मुझे निरंतर भजता है, वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भजन दिखावे या प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, इससे समाज भले ही अनुकूल हो किंतु प्रभु प्रतिकूल हो जाते हैं। भजन अत्यंत गोपनीय है, वो अंतःकरण से होता है, उसका उतार चढ़ाव अंतःकरण के ऊपर है। निष्कर्ष इस अध्याय